नमस्कार दोस्तों मेरा ना नाम विमल है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है यूपीटेट सी टेट सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं तो इसी के अंतर्गत बीसवा मॉडल पेपर हमारा चल रहा है जिसमें हमने हिंदी के प्रश्न देखे थे साइड साइट बटन में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा आज हम देखेंगे इसी सेट नंबर बीस के यानी कि ईवीएस के तीस प्रश्न चलिए शुरू करते हैं जो है वो 121 से प्रश्न आपका है कि भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम परसेंटेज राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है वो आपको बताना है इनमें से कौन सा है उत्तर प्रदेश त्रिपुरा सिक्किम बिहार बताइए इनमें से कौन सा सही होगा इन चारों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं उत्तर प्रदेश त्रिपुरा सिक्किम या बिहार तो आपका सिक्किम यहाँ पर सही होगा अब सिक्किम से क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि आपका कंचन राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है एकदम के रखना है पूछा बहुत जाता है कंचन

और ग्रास ग्रासलैंड जलवायु के नाम से भी जाना जाता है बताइए इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ी विशेषता जो है इसकी कौन सी है आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में तो आपका आंसर उच्च वार्षिक तापांतर यहां पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री वाला और शुष्क जलवायु भी एक इसकी विशेषता के तौर पर आप याद रखेंगे एक प्रश्न नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है मरुस्थलीय मिट्टियां मिट्टियां शीतोष कटिबंधीय मिट्टियां या ऊष कटिबंधीय बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है तो ये होता है आपका ऊष कटिबंधीय मिट्टियां फोर्थ वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर एक सौ चौबीस की विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र इनमें से कौन सा जो है वो है कौन सा माना जाता है बायोम टुंड्रा बायोम सवाना घास बायोम तो मानसूनी बायोम आपको बताना है तो विश्व का सर्वाधिक विष्ब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है विष्ब्ध जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है डिस्टर्ब आंसर की बात करते हैं टुंड्रा सवाना या मानसूनी तो आपका मानसूनी बायोम यहाँ यहां पर जो है वो सही होगा अगला देखते हैं आपका 125 प्रश्न कि फ्लाई पच्चीस का प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है कोल पत्थर के कोयले को इससे प्राप्त होता है या फिर चारकोल से प्राप्त होता है या फिर डीजल मिट्टी के तेल को या फिर सी तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा आपको बताना है फ्लाई एस जो है वो एक प्रदूषक दहन उत्पाद है तो प्राप्त किससे होता है आंसर की बात करते हैं तो आपका ये कोल कोयला जिसको हम कहेंगे कोल पत्थर के कोयला जो है इससे जो है वो प्राप्त होता है फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा और जो फ्लाई एस होता है ना ये आपका एक बारीक पाउडर होता है ये कैसा होता है ये एक बारीक पाउडर होता है जो कि तापी बिजली जो संयंत्र होते हैं ना उसमें कोयले के जलने से जो है आपका जो है वो ये उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है इसमें भारी धातु भी होते हैं और इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं दुष्प्रभाव में कहता है कि जैसे कि जो इसका जो सूक्ष्म पाउडर हो या बारीक पाउडर होता है ना ये जब हम श्वसन सांस लेते हैं ना तो सांस के साथ अंदर जाता है तो श्वसन संबंधी जो रोग हैं वो ये उत्पन्न करता है इसके अलावा जो पौधों की पत्तियां आप देखते हैं इसके ऊपर इस तरीके से जो है ये जा करके बैठ जाता है उस पर जमा हो जाता है जिससे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसको बाधित करता है और इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए एक अवक्षेपक होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक तो वो यूज किया जाता है वो भी आप याद रख सकते हैं छब्बीस प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय जो है वो किस चीज का है वनों को कटाव के कारण विकिरण के कारण मरुस्थल के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं पृथ्वी पर जीवन का जो अस्तित्व है उसको सबसे बड़ा भय इनमें से क्या है सबसे बड़ा भय वनों को काटना कहीं ना कहीं एक भय है इस चीज का आप ध्यान रखिए मरुस्थल जो है थोड़ा बहुत उतना नहीं है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा इनमें से कोई नहीं होगा विकिरण सबसे बड़ा भय हो जाएगा जो कि नुकसान करता है सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा त्वचा तो संबंधी रोग भी आपके हो सकते हैं और भी विभिन्न प्रकार की इससे बीमारियां हो सकती हैं प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ए जे टॉन्सले ने किया था दूसरा कह रहा है जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वापोषित कहते हैं तीसरा कह रहा है प्रकाश संश्लेषक की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करते हैं और चौथा कह रहा है वियोजक का, पदार्थ जो है उनको कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित जो है वो करते हैं तो ये आपके चार इस तरीके से कथन दे रखे हैं आपसे पूछा यह सही कौन से हैं ए और बी सही है बी और सी सही है सी और डी सही है या सभी सही है अब देखेंगे अगर आप तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग नहीं करते हैं भोजन का निर्माण करते हैं तो सी तो सबसे पहले ही आप जो है वो काट देंगे पदार्थ पदार्थ को पदार्थ में परिवर्तित करते हैं तो ये आपका भी गलत है केवल और केवल ए और बी सही है पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सबसे पहले एजे टॉन्सले ने किया था बिल्कुल सही है जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कह लीजिए स्वपोषी कह लीजिए दोनों बात एक ही है ए और बी सही है स्वपोषी परपोषी दोनों आपको पहले बताया मैंने स्वापोसी क्या करते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो परपोषी होते हैं वो दूसरे के बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं तो ए और बी सही है यानी पहला वाला ही पर सही हो जाएगा ए और बी दोनों जो है वो सही है अट्ठाईस एक सौ अट्ठाईस प्रश्न अगला है कि इनमें से कौन सा सही रूप से सुमेलित जो है आपको बताना है नहीं है कोपेनहेगन सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कटौती करने का लक्ष्य स्टॉक होम सम्मेलन जैव कीटनाशक पर रोक लगाने का निर्णय सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों की पहचान और वियना सम्मेलन प्रजाति संरक्षण तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा आंसर की बात करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है तो आपका चौथा वाला यहाँ पर वियना सम्मेलन जो है प्रजाति संरक्षण से संबंधित नहीं है वियेना संबंध जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका ओजोन परत से संबंधित तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित आप कह सकते हैं वियना संधि हुई थी ओजोन परत आपको जो है यहाँ पर याद रखना है और इस पर 1985 के जो वियना सम्मेलन है इसमें सहमति बनी थी और 1988 में लागू किया गया था 196 देश थे इनके साथ साथ जो यूरोपीय संघ है उनके द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया था

जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य तो भारत का सबसे पहला बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहला आपका जो है वो जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो था इसी का पहले नाम जो है वो हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हुआ करता था स्थापना वर्ष की बात करें तो 1936 में स्थापना वर्ष था स्थान की बात करें तो उत्तराखंड आप जानते हैं उसके अंतर्गत नैनीताल जानते हैं और नैनीताल के अंतर्गत रामनगर जो है उसके पास जो है ये स्थित है और बाघ के लिए जो है ये प्रसिद्ध है अगला देखते हैं आपका समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित है दीमक मेढक छिपकली सांप बताइए इनमें से कौन सा सही होगा समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित है दीमक मेढक छिपकली सांप आंसर की बात करते हैं तो दीमक आपका यहाँ पर जो है पहला वाला ऑप्शन सही होगा और अगर आपको समार्जक नहीं भी पता है तो मेढक छिपकली सांप आप जानते हैं कहीं ना कहीं अन्य जो जंतु उनको खाते हैं तो उससे भी आप दीमक को अलग कर सकते हैं वहां से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं अगला है जीवो तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का जो संबंध है वो क्या कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है संबंध अध्ययन क्या कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है जैव भूगोल कहलाता है भौतिकी कहलाता है या फिर पारिस्थितिकी कहलाता है बताइए कौन सा इनमें से सही होगा साथ ही साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और और शेयर जरूर करते करते इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस रहें जो आपका एग्जाम हुआ था यूपी टेट का जल्द ही उस पर बेस्ड भी हम आपको प्रश्न जो है वो कराएंगे आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पारिस्थितिकी जो है वो सही होगा जीवो और पर्यावरण के जो पारस्परिक संबंध है इनका अध्ययन पारिस्थितिकी जो है वो कहलाता है एक प्रश्न आपका है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन जो क्षेत्र है वो सबसे कम है सिक्किम का है गोवा का है हरियाणा का है या केरल का का है किस एक का कुल वन क्षेत्र सबसे कम है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हरियाणा यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा अगला देखते हैं आपका मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी योजना जो है उसमें सहयोगी जो है वो है भारतीय वन विकास निगम विश्व बैंक राज्य वन विकास निगम या फिर यूनिसेफ बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक वन की जो परियोजना है उसमें सहयोगी है राज्य वन विकास निगम तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पर वैसे आपका वर्ल्ड बैंक ज्यादा सही होगा क्योंकि राज्य तो आपका सहयोग करता है पर मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई है और सहयोगी के रूप में पूछा है तो आपका विश्व बैंक है जो है ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा निक विकास निगम आपका जो है वो नहीं होगा अगला देखते हैं आपका कि जीवो के मध्य जो भोजन प्राप्त करने का निश्चित पोषण श्रृंखला जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को किस नाम से जाना जाता है आंसर की बात करते हैं श्रृंखला के नाम से जो है वो जाना जाता है और खाद्य श्रृंखलाओं से क्या बनता है खाद्य जाल बनता है काफी बार मैंने आपको बताया सेकंड वाला आपका ऑप्शन पर सही होगा अगला है ओजोन जो है वो है प्राथमिक प्रदूषक प्रदूषक दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए ओजोन जो है आपका इनमें से किसके अंतर्गत जो है वो आता है आंसर की बात करते हैं तो इसके लिए आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे स्रोत से उत्पन्न होते हैं इनके एग्जाम्पल में जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा तो ये क्या है सीधे जो है आपके आ जाते हैं इसी प्रकार आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है इसी प्रकार आपका सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है बेंजीन आपका आ जाता है इस तरीके से आप कह सकते हैं प्राथमिक प्रदूषक में द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं जो कि प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं इनसे ही उत्पन्न होते हैं इनसे उत्पन्न होने वाले आते हैं द्वितीय प्रदूषक में और इसके उदाहरण होते हैं आपके ओजोन ओजोन ही पूछा गया था तो सेकेंड वाला आपका आंसर यहाँ पर सही होगा ओजोन के अलावा आपका फॉर्मल डीहाइट भी इसका एग्जाम्पल होता है धुआं आपका एग्जाम्पल होता है धुआं भी पूछा जा सकता है क्योंकि तो नॉर्मली जो शब्द होते हैं ना उनसे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो द्वितीय प्रदूषक में वो सभी आएगा ओजोन आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसमें आ जाएगा तो सेकंड वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा अगला प्रश्न एक कह रहा है वायुमंडली उषमा का कितना परसेंट भाग पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है उन्नीस तेईस नौ चौतीस कौन सा इनमें से सही होगा वायुमंडलीय जो उष्मा है उसका कितना परसेंट भाग पार्थिव विकरण के रूप में प्राप्त होता है आंसर की बात करते हैं इनमें से तो तेईस परसेंट आपका यहाँ पर सही होगा अगला देखते हैं आपका घर में हानिकारक विकरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है फैन हीटर रंगीन टीवी या फिर ट्यूब रोशनी विकरण को लेकर पूछा गया है फैन से तो इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है तो ये तो आपका बिल्कुल भी आंसर जो है वो नहीं होगा हीटर रंगीन टीवी और ट्यूब रोशनी अब देखिए इनमें से आपको पता होगा कि जो एक गैस होती है वो आपकी नुकसान करती है कहीं ना कहीं और वो किस में होती है हीटर में तो होती नहीं हीटर तो गर्म होता है सीधे आप उसमें से टेम्परेचर लेते हैं ये आपका नहीं होगा और सी जब पूछा गया होता ना कि नुकसान पहुंचाती ओजोन लेयर को तब हम वहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर है वो सब आंसर के साथ जाते हैं पर यहाँ पर विकरण की बात की गई है तो विकरण आपका इन दोनों में से आंसर होगा रंगीन टीवी जो कि हानिकारक विकरण के सबसे बड़े स्रोत में आएगा थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही होगा एक प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र के स्वापोषी घटक होते हैं सूक्ष्म जीवाणु पादप या फिर मृतोपजीवी बताइए इनमें से कौन सा सही होगा पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में स्वपोषित घटक होते क्या है वे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है उसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ जल कार्बन डाइऑक्साइड इसको प्रयोग में लाकर भोजन बनाते हैं तो इनका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है हरे पेड़ पौधे और यहाँ पर देखिए तो पादप लिखा हुआ है इस पारिस्थितिक तंत्र जो है इसके स्वपोषी घटक में जो है आपका आ जाएगा और ये घटक उत्पादक भी आपके कहलाते हैं उत्पादक भी आप इन्हें कह सकते हैं अगला देखते हैं आपका एक सौ उनतालीस जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही लंबी होगी अधिक लंबी होगी छोटी होगी या अधिक छोटी होगी कौन सा इनमें से सही होगा आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका अधिक लंबी होगी जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी ज्यादा आपको डायवर्सिफिकेशन विविधताएं देखने को मिलेंगी खाद्य श्रृंखला उतनी ज्यादा और ज्यादा लंबी होगी तो आपका सेकंड वाला यहाँ पर सही होगा 140 सौ चालीस प्रश्न बढ़ते पोषण स्तर जो है उसके साथ जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है प्रकाश संश्लेषण श्वसन वाष्पोत्सर्जन प्रजनन कौन सा इनमें से सही होगा बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीव द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है तो श्वसन के द्वारा जो है होता है आपका सेकंड वाला यहाँ पर सही होगा अगला पर्यावरण तो विभाग की स्थापना भारत में जो है वो किस वर्ष की गई नाइनटीन 1980 एवरण विभाग की स्थापना आंसर की बात करते हैं तो आपका 1980 फोर्थ वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा 1980 में स्वास्थ्य या देश में स्वास्थ्य पर्यावरण जो विकास है उसके लिए की गई थी स्थापना पर्यावरण विभाग की और ये विभाग आगे चलकर 1985 का जब टाइम आया था तब आपका पर्यावरण और वन मंत्रालय के नाम से जो है वो बन गया था तो पूछा अब आजकल जाता है प्रश्न कि पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना कब हुई तो 1985 में और इसी का नाम पहले क्या था तो आप कहेंगे पर्यावरण विभाग उसकी स्थापना कब हुई तो 1980 वन और पर्यावरण मंत्रालय जो है आपका अलग है उसकी स्थापना उन्नीस के आसपास हुई थी तो वो अलग है ये अलग है नाम थोड़े से ही अलग अलग हैं पर याद आपको रखने हैं एक प्रश्न नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से ओजोन की घुली हुई मात्रा से नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से या ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से तो आपका इन चारों में से कौन सा सही होगा तो आपने बीओडी अवश्य सुनाया होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो ऑक्सीजन से आपका ये चेक किया जाता है वाला होगा नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की खुली हुई मात्रा से की जाती है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी केरल में कश्मीर घाटी सूरमा घाटी फूलों की घाटी बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है इन चारों में से किसमें आंसर की बात करते हैं तो शांत घाटी केरल में जो है पाई जाती है पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा सौ चौवालीस प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है ग्रेट निकोबार सुंदरवन नंदा देवी कच्छ की खाड़ी बताइए इनमें से अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में जो है कौन सा नहीं है आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन कच्छ की जो खाड़ी है अच्छा प्रश्न में पूछा गया नहीं है तो कच्छ की खाड़ी तो आपका है ये तो आपका आंसर होगा ग्रेट निकोबार जो है वो नहीं है फर्स्ट वाला आंसर सही होगा देखिए जो सुंदर वन है ये आपका 1989 में आपको सन भी याद रखना है कि 1989 में जो है ये आपका आया था राज्य कहाँ पश्चिम बंगाल में है और क्षेत्रफल इसका नौ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है नंदा देवी जो है ये आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है और बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका उत्तराखंड में है नंदा देवी वाला और इसका कब समय है 1988 का और इसका उत्तराखंड मैंने बताया क्षेत्रफल कितना है तो 5,860 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कच्छ की खाड़ी आपका जो है ये आपका कहाँ है तो सबसे पहले तो कब आया तो दो में और कहाँ है तो गुजरात में और इसका जो क्षेत्रफल है वो बारह है टोटल जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है स्थान है वो कितने हैं तो टोटल अठारह है सबसे लास्ट में आपका दो में आया था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो की मध्य प्रदेश में है जो मैंने आपको सन बताया ना ये इसमें शामिल की कब कब हुए उसके सन मैंने आपको बताए हैं तो आपको पता होना चाहिए वैसे जो 18 के अठारह नाम है सभी पता होना चाहिए क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन आया है ऐसे ही क्वेश्चन आपसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन जैव मंडल आरक्षित स्थान में आता है या नहीं आता है इसके प्रकार प्रश्न आपका है खाद्य श्रृंखला में पादप हिरण भेड़िया व शेर शेर सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी भेड़िया हिरण बताइए कौन सा इनमें से सही होगा तो आप जानते हैं दस परसेंट ऊर्जा जो है जो उसका ट्रांसफर होता है वो किसने दिया था लिंडमैन ने दिया था और कहीं ना कहीं एक से आगे के क्रम में होती है ना तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होगी वो सबसे पहली वाली जो कड़ी होगी उसमें होगी जैसे अगर हम इस तरीके से डिब्बे बनाए तो इसमें जो पहले वाले से दस परसेंट इसमें जाती फिर इससे दस परसेंट आगे दस परसेंट आगे तो जब से ज्यादा किसमें सब ज्यादा सबसे पहले में होगी तो सर्वाधिक ऊर्जा सबसे पहले किसमेंदप में होगी पादप में हिरण भेड़िया और शेर से प्रश्न क्योटो कथन दे उस पर विचार करना है दो हजार पांच में लागू हुई क्योटो मुख्यता ओजोन परत की छिड़ता से संबंधित है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस के रूप में अधिक हानिकारक है आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है केवल पहला पहला और दूसरा पहला दूसरा और तीसरा या पहला दूसरा तीसरा सभी जो है वो सही है कौन सा इनमें से सही होगा ये आपको बताना है आंसर की बात करते हैं तो क्योटो जो संधि उपसंधि हुई थी तो आपका यहाँ पर पहला कथन जो है क्योटो 2005 में लागू हुई बिल्कुल सही है क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये आया कब था तो 1997 में आया था स्थान क्या था तो जापान था 1997 में आया था और 1998 में हस्ताक्षर हुए थे 1999 में इसे बंद भी किया गया था और दो में लागू भी किया गया था ये सभी सन आपको याद होने चाहिए जिसमें पहला कह रहा है दो में लागू हुआ था बिल्कुल आपका सही है क्योटो उपसंधि मुख्यता ओजोन परत की छीड़ता से संबंधित थी तो जब भी ओजोन परत की बात होगी तो आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन की परत कैसी होती है मोटी होती है तो मोटी से मो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जोड़ सकते हैं तो क्योटो उपसंधि मुख्यता ओजोन परत से तो बिल्कुल गलत है क्योटो अगर उपसंधि किससे संबंधित है पूछा जाए तो आप कहेंगे जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है और कार्बन जो अवधारणा है उसको थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि उससे भी संबंधित है कहीं ना कहीं जो तो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है तो उसको कम किया जाए तो ये सारी चीजें तीसरा कह रहा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में अधिक हानिकारक है मीथेन की बात की जा रही कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में तो ये भी आपका यहाँ पर गलत होगा प्रश्न में अगर देखिए तो एक और तीन वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं है तो आपको सोचना ही नहीं है थर्ड भी गलत है केवल एक सही होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र तो कई बार मैंने बताया कि ऐसे कोई मंजिल बनी हुई है उस पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो क्या होता है नीचे गिर जाता है तो गिरने से आपका क्या कहेंगे कि वो गुजर जाता है गुजर से गुजरात याद रख सकते हैं तो बस आपका गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान अगला प्रश्न देखते हैं आपका एक कि सतत और स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है नियतिवादी संभववादी नवनियतिवादी या इनमें से कोई नहीं कौन सा इनमें से सही होगा आंसर की बात करते हैं तो सतत और स्थायी विकास जो है वो नवनियतिवादी अवधारणा से संबंधित होता है थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही होगा और इसमें जो नियतिवादी अवधारणा है ये दिया गया था जर्मन विचारकों के द्वारा संभववादी और फ्रांसीसी विचारकों के द्वारा और नव वाला जो है इसको जव करके भी लिखा जाता है कहीं कहीं तो इसका इंग्लिश का नाम ध्यान रखिए नियो करके होता है नियो डिटरमिनिज्म ये अमेरिकन और ब्रिटिश विचारकों के द्वारा जो है दिया गया था नव ही याद रखिए क्योंकि नियति है संभव है तो नव ही आपका सही होगा और एक चीज और याद रखना जो कि प्रश्न में पूछा गया था सतत और स्थायी विकास सेकेंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का इनमें से सर्वप्रथम वन्य जीव अभ्यारण बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था सिकंदर अकबर अशोक या चतुर्थ बताइए इनमें चतुर्थ नहीं है, है सर्वप्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जिसको कहा जाता है महान तो बस आप आंसर तक तो पहुंच गए होंगे अशोक महान आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा सर्वप्रथम वन्यजीव अभ्यारण बनाने का आदेश देने वाला शासक था अशोक तो थर्ड वाला पर सही हो जाएगा अगला इस वीडियो का लास्ट प्रश्न प्रश्न देखते हैं इसके बाद एक हम आपसे भी पूछेंगे जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा वीडियो पसंद आए हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं एक प्रश्न कह रहा है कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविशालु धातु प्रदूषक कौन सा है कॉपर है लेड है कैडमियम है या फिर मरकरी है तो बताइए कौन सा सही होगा स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक आंसर की बात करते हैं तो आपका अविशालु धातु प्रदूषक में लेड आपका जो है वो आएगा जो स्वचालित वाहन होते हैं ना उसमें एंटी एंटीनॉर्किंग एजेंट के रूप में इसका यूज जो है वो किया जाता है और लेड के कारण आपका स्नायु तंत्र पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है कैंसर में भी आपका कही कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए अब देखते हैं वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था रश्मि रथी पर परशुराम की प्रतीक्षा पर कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर इन चारों में से कौन सा सही होगा अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा लाइव टाइमिंग दोपहर के तीन बजे की शाम के आठ बजे की है तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं आज शुरू में ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद